चार माह बाद सऊदी अरब से वापस आया महरूम दिलावर का शव विवादों के बीच हुई मिट्टी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भरतीपुर गांव निवासी दिलावर पुत्र स्वर्गीय जान मोहम्मद करीब चार साल पहले सऊदी गए थे। वहां पर वे रियाद निवासी MNJ कहतानी नामक शेख के यहाँ घरेलू नौकर का काम करते थे। बीते रमजान में 4 मई की शाम को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना जब उनके घर वालों को मिली तो वे अवाक रह गए। दिलावर की मां तकदीरुल निशाने कादीपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हक के जरिए विदेश मंत्री को पत्र लिखकर बेटे का शव स्वदेश मंगाने की गुहार लगाई। विदेश मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जेदा दूतावास को शव भेजवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। लंबी जद्दोजहद के बाद शव भेजने की प्रक्रिया पूरी हुई, मगर कोरोना संक्रमण के चलते हवाई यात्रा पर लगी पाबंदी और दिलावर की बॉडी भारत भेजने में आड़े आने लगी। गत दिनों सऊदी अरब से दिल्ली के बीच में हवाई यात्रा शुरू की गई तो अब्दुल्लक ने जेदा एजेंसी के अधिकारियों से पुनः संपर्क किया, जिसके बाद 24 सितंबर को दिलावर का पार्थिव शरीर सऊदी एयरलाइंस से दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में समाजसेवी अब्दुल्लक के साथ पहले से मौजूद परिवार के सदस्य कागजी फॉर्म पूरा करने के बाद प्राइवेट वाहन से शव लेकर शुक्रवार की भोर प्रतक गाँव पहुंचे, जहां 144 दिन बाद दिलावर के शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल्लक ने बताया कि जेदा एजेंसी के अधिकारी डॉक्टर अलीम शाहबुद्दीन खान, मोहम्मद फैजल व केरल के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद उमर का पार्थिव शरीर भिजवाने में अहम योगदान रहा। उधर मृतक की मां तकदीरुल निशा, पत्नी अफसाना व चार बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था।